हेलो नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, तो डिटेल में देखेंगे क्या वैकेंसीज हैं आपकी। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नया वैकेंसीज आउट हुई हैं आपके लिए। टोटल 180 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। देखो डिटेल से देखेंगे गहन अध्ययन करके कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है, कौन सी ब्रांच अप्लाई कर सकती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना सिलेक्शन होने वाला है आपका। देखो सब कुछ पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दे देता हूँ, जिससे कि जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वही आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो सबसे पहली बात तो ये देख लेना, ये एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया 31/12/2022 से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 21 जनवरी तक आपको ये फॉर्म भर सकते हो। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कुछ वैकेंसीज आपकी SSC JEE के थ्रू आ चुकी हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट है ये BE BTEC वालों के लिए है। और पर्टिकुलर ब्रांच में बताऊँ तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मेकाट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके अलावा केवल BE BTEC वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल नहीं है। BCA वाले जिन्होंने बैचलर्स कर रखी हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, MCA वाले स्टूडेंट, MSc वाले स्टूडेंट, ये सब भी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब डिटेल से देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बताई दी आपको, और भी चीज़ डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे वैकेंसीज आउट हुई हैं, सिलेबस क्या होने वाला है, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ सकता है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। ठीक है, तो बारी बारी से देखते हैं और ध्यान से देखना यार, वीडियो छोटे ही बनाइए, अपने करियर के लिए 2-3 मिनट तो निकाल ही सकते हो फालतू। अगर फिर भी आपको लग रहा हो भाई साहब बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो स्पीड इंक्रीज़ करके देख लेना। ठीक है, मैं वैसे आपके लिए स्पीड इंक्रीज़ करके ही बोलने की कोशिश करता हूँ। तो देखो दोस्त, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है Aviator 2, जिसमें Level 10 की जॉब है आपकी, बहुत बेहतरीन इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है, 56,100 से लेके 1,77,500 तक Level 10 की जॉब है, UPSC AE से भी बेहतरीन मिलने वाली है आपको। टेक्निकल असिस्टेंट, ये Group B की जॉब है, और जो Aviator 2 है इसमें आपकी Group A की जॉब है। ठीक है, तो इसमें Level 7 की जॉब मिलने वाली है आपको, सैलरी मिलने वाली है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो एविएशन टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल 22 वैकेंसीज हैं, और जो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट जो Level 7 की है उसमें आपकी 160 वैकेंसीज हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड IT में आपकी टोटल 81 वैकेंसीज हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 79 वैकेंसीज हैं। विदाउट गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बहुत कम वैकेंसीज आती हैं, SSC IMD की आई थी और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाली, उसके बाद में अब ये पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्त इसको दोनों हाथ से लपकने की कोशिश करना। अब मैं आगे भी बताता हूँ आपको, एविएशन टेक्नोलॉजी में आपकी सब ब्रांचेज लगभग एलिजिबल हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं एलिजिबिलिटी में दिखा देता हूँ आपको। देखो Aviator 2 वाले में जिसमें Level 10 की जॉब है उसमें आपके पास में बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी कि BE या फिर टेक्नोलॉजी BE TECH, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, ये सारी मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, उसके अलावा इसमें यहाँ पे ये भी लिख रखा है मास्टर्स डिग्री इन साइंस, और मतलब MSc इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होगी तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, मैथमेटिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। एज लिमिट की बात करें तो दोस्त 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट रख रखी है यहाँ पे। ठीक है, और 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब देखो जैसा कि यहाँ लिख भी रखा है Aviator 2 है, इसका मतलब है एविएशन से रिलेटेड है आपका, तो इसमें आपकी हाइट वगैरह भी मांग रखी है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो हाइट आपकी 155 सेंटीमीटर फॉर मेल्स, 150 सेंटीमीटर्स फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो इतनी तो सबकी होगी मोस्टली, नहीं है तो भाई साहब आप नहीं भर सकते हो। और आईज़ का भी लिख रखा है आई साइट 6x6 और 6x9 विदाउट ग्लासेज, नो डिसऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शन, क्योंकि देखो आपको पता ही है आपकी एविएशन सेक्टर से रिलेटेड है तो आँख तो क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है। सेकेंड पर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, जिसमें आपकी CS की और IT की वैकेंसीज अलग अलग आउट हुई हैं, 82 एंड 79 रिस्पेक्टिवली। ओके दोस्त, अब देखो आपकी जो कंप्यूटर साइंस उसमें कौन कौन भर सकते हैं, जिसने BE BTEC कर रखी हो इन सारी ब्रांचेस में, जैसे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनसे इंटर रिलेटेड सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाली फर्दर और कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर देख लेना, MCA वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, BCA वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंशन कर रखा है एज लिमिट 30 साल होने वाली है आपकी, फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ नहीं चाहिए क्योंकि Group B की जॉब है और टेक्निकल जॉब है, और ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वो भी यहाँ पे दिखाई देता हूँ, यहाँ पे लिख भी रखा है देखो ये रहा। ठीक है, ये सब्जेक्ट और फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाला। अब एज लिमिट 30 है,
और अब देखो नीचे आके और बताता हूँ, सर्विस बॉन्ड आपको परमानेंट जॉब होने वाली है, कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि भाई साहब टेम्प्रेरी जॉब हो, कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे लिख भी रखा है 31/12/2022 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 21 जनवरी 2023 तक आपकी लास्ट डेट होने वाली है, तो इसी के बीच में भरना है आपको। रिटर्न टेस्ट जो होगा 5 मार्च 2023 को होने वाला है, ठीक है, पहले ही मेंशन कर रखे। आप देखो दो स्टेज में आपका पेपर होने वाला है, पहली स्टेज जो होगी आपकी वो होगी आपका रिटर्न टेस्ट, दूसरी स्टेज आपका इंटरव्यू, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, दोनों में मिनिमम मार्क्स आपको 40% गेन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ क्या होने वाला, अप्लाई आप कर ही सकते हो, कैसे क्या करना है, ऑनलाइन जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है क्योंकि अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एडवर्टीजमेंट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे इसकी लिंक आ जाएगी मैं आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर दूंगा और वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा है, एस पर बता ही सकता हूँ, SC ST PWD और वुमेन्स कैंडिडेट फीस फ्री है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी फीस फ्री है, ये अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन भाई साहब जो अमीर लोग हैं, जनरल EWS और OBC वाले स्टूडेंट, वो सभी लोगों को 500 रुपये पर एप्लीकेशन पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो SC ST वुमेन कैंडिडेट, भाई साहब आप सब भरना, मैं हर बार बोलता हूँ जो फ्री हैं उसके लिए बर्डन तो बढ़ाओ सरकार पे, तो आप सारे लोग फॉर्म ज़रूर भरना, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है, ये अच्छी बात है। टेक्निकल असिस्टेंट, देखो अभी पेपर का पैटर्न है, OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है आपका, 2 घंटे यानी कि 150 मिनट मिलने वाली है, यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है पूरा। 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से होंगे, कंप्यूटर साइंस वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं अभी टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन आपके मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के होंगे, यानी कि एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे। एविएटर 2 जिसमें मैकेनिकल भी भर सकता है, वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 80 मार्क्स आपके एविएशन टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड होंगे, 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए होंगे। अब देखो जो मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट हैं, जो एविएटर टेक्नोलॉजी में भरना चाहते हो, तो दोस्त आपके लिए मैकेनिकल का कोर्स नहीं है उसमें, एविएशन टेक्नोलॉजी एक अलग ही सिलेबस होता है, वो आने वाला है उसमें, ठीक है। जैसे कि आपने अगर AAI का फॉर्म एयरपोर्ट ऑपरेशंस भरा होगा, तो वहाँ पे एक एविएशन का एक सब्जेक्ट अलग से होता था, तो वही इसमें होने वाला है, ठीक है। जिस किसी ने AO का भर रखा हो उसको पता ही होगा। अब देखो रिटर्न टेस्ट नेगेटिव मार्किंग होगी, डेफिनेटली होगी 0.5 की, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और स्टेज 2 इंटरव्यू का होने वाला है, जैसे कि यहाँ लिख भी रखा है 50 मार्क्स, और वो इंटरव्यू जो होगा वो केवल न्यू दिल्ली में होने वाला है, और रिमेनिंग के आपके सेंटर्स अलग अलग तरीके पड़े हुए हैं। यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर रखा है कि कितने मार्क्स आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन भी कर रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स स्टेज 1 के लिए 40% होने वाले हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 35% OBC और EWS के लिए, 30% फॉर अदर रिमेनिंग कैटेगरीज के लिए, ठीक है। और आपके इंटरव्यू में देखोगे तो वहाँ पे भी आपको मिनिमम मार्क्स गेन करने ही करने हैं, और जो आपके सब डेटा वगैरह वो देख लोगे आप। अब सेंटर बता देता हूँ आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा OMR वाइज उसका, देखो ये 22 सेंटर पड़े हैं आपके, हर स्टेट से लगभग एक एक सेंटर है आपका, और जिसका NCR में उसका दिल्ली में डाल ही दिया है, ठीक है। तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, और तो फॉर्म भरने का तरीका दे रखा है कैसे क्या भरना है, तो वो आई थिंक आप भर ही लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो दोस्त अब एट दी एंड मैं इसमें एक कमेंट करना चाहता हूँ कि कैसे क्या करना है अगर आप भरना चाहते हो। तो देखो दोस्त, आप अगर मैकेनिकल से हो या फिर अदर ब्रांच से हो जो एविएशन टेक्नोलॉजी का भरना चाहते हैं, तो दोस्त टेक्निकल उसमें कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर से रिलेटेड, एविएशन टेक्नोलॉजी अलग ही एक सब्जेक्ट है, एरोस्पेस वाले स्टूडेंट्स भरते हैं उन्हें पढ़ते हैं, तो अगर आप भरना चाहो तो सबके लिए नया है, तो आप भर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि भाई साहब आपको भर देना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले उतना ही फ़ायदा है, और EC और कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो गोल्डन चांस है भाई साहब, विदाउट गेट वैकेंसीज इतनी आउट हुई हैं, तो आपको डेफिनेटली भरना चाहिए। एल्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं आपको केवल डेडिकेट कर सकता हूँ कि पोस्ट ये वाली निकली है, ठीक है। तो आप भर देना, अगर कोई भी कैसा भी डाउट हो एविएशन टेक्नोलॉजी के नोट्स मेरे को अगर जो कोई भर रहा हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आप सभी इन्होंने पढ़ने नहीं रखा होगा, तो मैं एविएशन टेक्नोलॉजी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, लिंक उसे जाकर ज्वाइन कर लो। जो कोई भी भरना चाहता है मैकेनिकल का, एविएशन टेक्नोलॉजी के नोट्स मेरी तरफ से फ्री प्रोवाइड होंगे आपको, कोई पैसा नहीं मिलता यार, इस चैनल पर सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, बस आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।